हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। वहाँ पर एक वर्ड आया था न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आज हम न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो एंड तक देखना है आपको। क्यों देखना है? क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी एनसीईआरटी का 14.22 क्वेश्चन है ये, है ना। 14.22 वाला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्योंकि आपकी एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या लिखा है सबसे पहले देख लेते हैं। अ न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स ओनली टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नेमली अ पेंटोज शुगर एंड अ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, यहाँ पर समराइज किया है मैंने। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? शुगर और बेस। शुगर और बेस को जब हम कंबाइन कर देंगे, दो बेसिक यूनिट जो होती है न्यूक्लिक एसिड की, है ना, शुगर, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, तो इन दोनों को ही अगर हम कंबाइन कर दें तो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या लिखा, दोनों हम पहले देख लेते हैं और फिर इसकी स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, जब तक आप इस चैनल पर आए हैं सारी टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियोटाइड में क्या लिखा, अ न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स ऑल द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नेमली अ पेंटोज शुगर, अ नाइट्रोजिनस बेस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में जो होता है वो तो होता ही है, यानी कि पेंटोज शुगर भी होती है, नाइट्रोजिनस बेस भी होता है और साथ ही यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, यानी कि तीनों बेसिक यूनिट प्रेजेंट होती है न्यूक्लिक एसिड की, किसमें? न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ दो बेसिक यूनिट होती है, दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, है ना। न्यूक्लियोटाइड में तीनों बेसिक यूनिट होती है, पेंटोज शुगर भी होता है, नाइट्रोजनस बेस भी होता है, फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, ठीक है। चलिए, अब आरएनए एंड डीएनए में कौन सी पेंटोज शुगर होती है और उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है ये मैं आपको यहां पर क्लियर करवा देता हूं और उसी के थ्रू हम न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो पोजीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो एक ग्रुप होगा ही, आपको पता है CH2OH, यहाँ पर भी CH2OH ग्रुप। चलिए, ये पोजीशंस हो गई। अब यहाँ पर अटैच होता है, मैं आपको बता दे, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर नीचे OH रहेगा, यहाँ पर भी नीचे OH रहेगा, यहाँ पर इन दोनों में H रहेगा और यहाँ पर भी H रहने वाला है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर भी H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H एंड यहाँ पर भी H ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर रहेगा OH एंड यहाँ पर H, क्लियर है। चलिए, तो ये आरएनए में पाई जाने वाली राइबोज शुगर है, कौन सी राइबोज शुगर है ये, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बीटा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बीटा डी राइबोज, ठीक है, बीटा डी राइबोज है और ये कौन सी शुगर है, बीटा डी टू डी ऑक्सीराइबोज, ठीक है, बीटा डी टू डी ऑक्सीराइबोज, जो कि किसमें पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है, और ये जो बीटा डी राइबोज है ये किसमें पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, पेंटोज शुगर तो हमने बना ली, अब यहाँ पर हमें अगर न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो पेंटोज शुगर के साथ में हमें क्या ऐड करना है, नाइट्रोजिनस बेस ऐड करना है। चलिए, तो यहाँ से जो ये OH है ये हट जाएगा और यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस आकर के अटैच हो जाएगा। चलिए, तो नाइट्रोजिनस बेस अटैच कर देते हैं हम, ये नाइट्रोजिनस बेस हमने अटैच कर दिया, ठीक है, ये क्या है, बेस है और ये क्या है, शुगर है, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया
न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर क्लियर है। कुछ नहीं करा हमने, हमने सबसे पहले क्या बनाया, पेंटोज शुगर बनाई, ठीक है। ये कौन सी पेंटोज शुगर थी, जब यहां पर OH अटैच था तो बीटा डी राइबोज, जो कि आरएनए में पाई जाती है, ठीक है। अब OH हटा करके हमने एक बेस अटैच कर दिया, बेस ऐड कर दिया, तो इसका नाम हो गया न्यूक्लियोसाइड, है ना। OH हटा करके बेस अटैच कर दिया तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। चलिए अब न्यूक्लियोटाइड में हमें क्या करना है, देखिए पेंटोज शुगर तो है ही, अगर इसके साथ में हमने अगर बेस अटैच कर दिया, चलिए यहां पर बेस अटैच कर देते हैं, ये क्या है बेस है, ठीक है, और ये क्या है शुगर है। तो इस कंडीशन में अभी क्या है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, अभी क्या है न्यूक्लियोसाइड है। क्यों, क्योंकि पेंटोज शुगर के साथ में बेस अटैच है, पेंटोज शुगर के साथ में बेस अटैच है तो न्यूक्लियोसाइड है। अगर मैं यहां पर जो OH है इसको हटा करके क्या ऐड कर दूं, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। चलिए फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देते हैं, देखिए फॉस्फेट ग्रुप कैसे अटैच होगा, यहां पर फॉस्फोरस, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन और यहां पर भी ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से अटैच होगा, कौन सा ऑक्सीजन, ये वाला, है ना, और यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है यानी कि माइनस चार्ज लग जाएगा, यहां पर भी माइनस चार्ज लग जाएगा, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अटैच है ही तो इसका डबल बॉन्ड कंप्लीट है, यहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो नेगेटिव चार्ज लग गया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड है, है ना। देखिए हमने कुछ नहीं करा है, हमने सबसे पहले पेंटोज शुगर बनाई है, ये आरएनए में पाई जाने वाली बीटा डी राइबोज शुगर थी और ये डीएनए में पाई जाने वाली बीटा डी टू डी ऑक्सीराइबोज शुगर थी, है ना। हमने यहाँ पर OH जो था उसको रिप्लेस कर दिया है दोनों में और दोनों में नाइट्रोजनस बेस अटैच कर दिया है, तो उस कंडीशन में ये दोनों ही क्या थे, न्यूक्लियोसाइड थे। बट जैसे ही हमने यहाँ पर जो OH था उसको रिप्लेस कर दिया फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू, है ना, ये कौन सा ग्रुप है मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कौन सा ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू अगर OH को यहां से रिप्लेस कर दिया और नाइट्रोजनस बेस तो है ही प्रेजेंट यहां पर पहले से, तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक दूसरे से किसके थ्रू अटैच होते हैं, किस लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं, तो मैं बता दूं फास्फोडाइस्टर, है ना, फास्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू, ठीक है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं या लिंक होते हैं। अब फॉस्फोडाइस्टर किसे कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज किसे कहते हैं, तो जो फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में जो बॉन्ड है या जो लिंकेज है उसे ही हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं, है ना, क्वेश्चन क्लियर है। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज किसे कहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर ग्रुप, शुगर इन दोनों के बीच में जो लिंकेज है, जो बॉन्ड है, उसे ही हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो आई होप न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में जो मेन डिफरेंस है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, ऐसी मेरी उम्मीद है।